लेकर के आए ने एडवोकेट साहब गुरचरण सिंह जी, वो बापू गुरचरण सिंह जी पढ़न गए और उन्हों का हस्तलिखित जिहड़ा संदेश है वो खोल दो। ये फोटोसैट कॉपी है, ये उन्हों का हस्तलिखित है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। पुरातन परंपरावां अनुसार जो श्री अकाल तख्त साहब दे जहदार दा संदेश बंदी छोड़ दिवस उत्ते श्री अकाल तख्त साहब ते पढ़िया जाना चाहीदा, पर समय दी मजबूरियां कारण सानू उन्हां दा जो सुनेहा 6/10/2022 नूं एडवोकेट गुरशरण सिंह दिल्ली तो लै के साढ़े कोल पहुँचे, अज असी वो सुनेहा जिहड़ा कौम दे एके दी अपील है प्रेस दे रूबरू करन जा रहे हैं। सो उहदा मजमून इस प्रकार है, एक ओंकार श्री अकाल सहाय सत्कारयोग खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। प्रेस नोट, समुच्चियां पंथक जथेबंदियां नूं पंथक मसलियां प्रति चल रहे वक्खो वक्खरे संघर्ष बंद करके एक प्लेटफॉर्म ते श्री अकाल साहब दी छतर छाया हेठ इकत्र हो के धर्म युद्ध मोर्चे दी तर्ज ते संघर्ष विढ़न दी पुरजोर अपील। खालसा जी, आप सारे बहुत चंगी तरह समझते हाँ ते मनते भी हाँ कि कौम ने पिछले कई दहाकियां विच खटिया कुछ नहीं, केवल गवाया ही गवाया है। आप सारे ये गल स्वीकारते भी हाँ कि गवाउण दा सिर्फ इको एक कारण है कि असी होमे दा शिकार हो के एक मुठ हो के एक मंच तो संघर्ष करन दी थां आपो अपने तौर ते वक्खो वक्खरे संघर्ष आरंभ के अपनी पंथक ताकत खंडा ली है। यही कारण है कि पंथ दुखी सरकारां साडी आपसी फुट दा नजायज फायदा उठा के सानू हर फ्रंट ते जलील ते बेइज्जत कर रही हैं। यह हकीकत है कि अज कौम अत नाजक दौर चो गुजर रही है। बहुत गंभीरता नाल विचार करनी बनती है कि कौम दे दुश्मनां वालों बहुत डूंगी साजिश तहत सिख नौजवानी नशा पतता अते गैंगस्टर कल्चर वल धक्या जा रहा है। इत्थों तक कि सिखी दे घर पंजाब विच ही सिख कौम बहुत तेजी नाल मिनोरिटी वल बढ़ रही है। बेआबदियां दा मसला, बंदी सिंघां दी रिहाई दा मसला, पंजाब दे पाणियां दा मसला, बहबल कलां दे शहीदां दा मसला, पावन सरूपां दे गायब करन दा मसला आदि बहुत गंभीरता नाल विचारन वाले प्रमुख मसले हन। खालसा जी, उपरोक्त लिखे पंथक मसलियां ते आपां सारियां पंथक धिरां ने पिछले काफ़ी लंबे अरसे दौरान अपने अपने तौर तरीकों नाल वक्खो वक्खरे तौर ते संघर्ष करके देख ही लिया है, पर कोई भी प्राप्ति नहीं हुई। सो हुण होर अजमाइश करके ते नवे तजर्बे करके सानू कौम दी ताकत दा नुकसान नहीं करना चाहीदा। जे असी अजो भी आपो अपनी जिद नू कायम रख के मुड़ फेर गलतियां दोहराणियां हन तां माफ़ करना, ये असिधे तौर ते कौम दे दुश्मनां दी मदद होवेगी ते अपनी इतिहासक गलती होवेगी। सारियां पंथक धिरां दे आगू साहिबान सत्कारयोग हन, पंथ दर्दी ते कुर्बानी वाले भी हन। सो सारे आगू साहिबानां नूं मेरी निम्रता सहित बेनती करदा हाँ कि हुण होर सोचण दा वेला नहीं है। आओ आपां सारे त्याग भावना नाल एक मत एक राय बना के पंथक संघर्ष लई सर्वसंमति बना के
संघर्ष का जल्दी आगाज़ करिए। 24 सितंबर पंथक धिर चंडीगढ़ मीटिंग दौरान पंथक संघर्ष एक मंच तो आरंभन वैसे तो सहमति हो गई सी, फिर भी संघर्ष की रूपरेखा उलीकण ते संपूर्ण सहमति लई जल्दी मीटिंग करके फैसला कुन वड्डे संघर्ष का ऐलान कर दिता जाएगा। गुरु पंथ का दास जगतार सिंह हवारा। सो ए सी उन्हां दी हथ लिखत जिहड़ा कौम नूं सुनेहा। हुण मैं बेनती करांगा प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जी नूं, जो कि जिन्नियां भी अज पंथक जथेबंदियां साडी बेनती ते इत्थे पहुंचियां उन्हां बारे अते होर मसलियां बारे तुहानूं जानकारी देणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज जिन्नियां भी जथेबंदियां जथेदार जगतार सिंह जी हवारा दे दिशा निर्देशों ते चलदिया होया उन्हां दी बेनती नूं प्रवान करदिया होया जिहड़ी जिहड़ी जथेबंदियां इत्थे पुजियां ने, सब तो पहला असी उन्हां दा धन्नवाद करदे हां अते उस पंथक शख्सियतां पंथक चिंतक जिहड़े कि अज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच जथेदार साहब दे कहण ते पहुंचे ने, सारिआं दा धन्नवाद कीता जांदा है। जिवें कि जथेदार साहब दे संदेश तो स्पष्ट है कि अज समें दी लोड़ है कि असी अपनिया वक्ख वक्ख जिहड़ियां धिरां वक्ख वक्ख तरीके दे संघर्ष दे विच चला रहीआं ने, उह सारे संघर्ष जिहड़े ने इक थां ते केंद्रित कीते जाण, जिहदे नाल कि कौम दा जिहड़े मसले भखदे मसले ने उन्हां मसलियां दा कोई हल कढ़िया जा सके। असी इह गल स्पष्ट कर देना चाहते हाँ कि जथेदार जगतार सिंह जी हवारा वलों पंथक एकता दे वास्ते पिछले लंबे समय तो यतन उन्हां वलों कीते जा रहे ने। असी इस दौरान काफ़ी जथेबंदियां दे नाल निजी तौर पर भी संपर्क किया है ते जा करके साड़ियां वख वख टीमां ने जा करके वख वख निहंग सिंह जथेबंदियां नूं पंथक जथेबंदियां नूं जिहड़े कि इस वेले संघर्ष दे विच लगे हुए ने उन्हां सारिआं नूं संपर्क किया है। साढ़े मेरे नाल बैठे ने बहुत ही सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी वडाला जी, और ये भी संघर्ष चला रहे ने लंबे समय तो उत्तों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़े सरूप लापता ने उन्हां दे वास्ते इंसाफ लैण लई। तो इन्हां ने भी जथेदार साहब की बेनती नूं प्रवान करदे हुए अज इस इकट्ठ दे विच पुजे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी दे भाई बलबीर सिंह जी मुच्छल इत्थे पुजे ने, सिरलथ जथेबथ्या सिरलथ वालों भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी इत्थे पुजे ने, वारिस पंजाब के बहुत सारे नौजवान बच्चे पहुँचे ने, बीबी कुलबीर कौर जी पुजे ने, जनरल शबेक सिंह दे भ्राता जी भाई बेअंत सिंह जी पुजे ने। इस सारे मैं हूँ सारे नाम इत्थे नहीं लै रहा क्योंकि भाई राजा राज सिंह जी पहुँचे ने, हमेशा जथेदार साहब के हुक्म के उत्ते निर्देशों के उत्ते हमेशा सहयोग देंदे ने। सो ये सारिया जथेबंदियां जिहड़ियां ने इत्थे पुज के इन्हां सारिआं ने एक सोलीडैरिटी जथेदार साहब के वलों उलीके गए प्रोग्रामों उत्ते दित्ती गई है। सो असी आने वाले समय दे विच सारिया होर भी पंथक धिरां नूं संपर्क करांगे, उन्हां नूं संपर्क करके जथेदार साहब वालों जिहड़ा सुनेहा आया है उन्हां वालों जो पैगाम आया है, और तुसी देखोगे हैरान होवोगे ये पंथ दे सामने गल असी पेश करना चाहते हाँ कि जथेदार साहब अपनी चिट्ठी विच जद अपना नाम अंत विच लिखते ने किधरे भी नहीं लिखते कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब। ये एक निम्रता की निशानी है, इत्थों पता लगता है कि जथेदार साहब दे विच जिहड़ा है वो पंथ दे प्रति एक समर्पित होने की भावना है। जद कदे भी उन्हां दी कोई चिट्ठी आती है कोई संदेश आता है कौम नूं समर्पित होकर के, सो वो तिहाड़ जेल दे विच पिछले 27-28 साल तो पंथ दे वास्ते कौम वास्ते संताप हंडारे ने, ना वो थके ने ना वो विके ने, तो याद रखियो वो विकणगे भी नहीं। वो जथेदार नहीं हैगे जो कि सरकारी जुल्म दी नेरी चलेगी तो डिग जाणगे वो थक जाणगे,
एक जथेदार जगतार सिंह वारा एक ऐसा ब्रांड नेम है, खास तौर पर मैं कहांगा यूथ वास्ते एक ऐसा ब्रांड नेम है जो कि इंटरनेशनल लैवल का जेड़ा भी कोई यूथ कोई यूनिवर्सिटी विच कोई कॉलेज विच कोई स्कूल दे विच खेतां दे विच कितने भी काम कर रहा है उहदे वास्ते जथेदार जगतार सिंह वारा एक ब्रांड नेम है, क्योंकि वह सच्चा सुच्चा एक व्यक्ति है जो कि सरकार दे सामने एक चट्टान मंगर खलोता है। सो असी उन्हां वालों जो प्रोग्राम उलीके गए ने उस दे मुताबक असी सारा कुछ चलांगे। मैं बेनती करांगा भाई बलदेव सिंह जी, देखो जिहड़े असी यतन आरंभे ने, असी सराबा विखे एक बंदी सिंघां दे वास्ते रिहाई वास्ते मोर्चा लग्गिया, उन्हां नाल गलबात कीती है और वह तैयार ने कि असी सहयोग देंगे, असी केंद्रित होने लई तैयार हैं। इस तरीके दे नाल होर भी जथेबंदियां नाल असी गलबात कीती है ते आने वाले मैं हूँ मैं तुहाडे जवाब सवाल का जवाब भाई साहब खुद आप हुण देण लगे ने वडाला साहब जी, मैं बेनती करांगा कि वह संगतां नूं संबोधन। देखो कल जिहड़ी इत्थे एकत्रता हुई है पंथक एकत्रता, असी हर प्रकार की एकता दे वलों एकता लई कीते गए एफर्ट्स का स्वागत करते हैं, ठीक है। और अखीर दे विच इह सारी जिन्नियां भी जथेबंदियां ने इन्हां सारियां ने एक निशान ते एक जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहिब दे अंदर इन्हां ने केंद्रित होना है। प्रोफेसर साहब, कोई ऐसा संघर्ष विटिया जाएगा जिद्दां किसान जथेबंदियां ने विटिया सी ते अपनियां मंगां मंगियां सी, साडी देखो जी साड़ी गुरु रामदास के चरणा च अरदास बेनती है कि असी आने वाले समय दे विच इकट्ठे होकर के सांझे रूप दे विच असी संघर्ष विडिए। सो एकता वाल पासे जिहड़े यतन किए जा रहे हैं उहदे वास्ते असी पंजाब दे जिहड़े सुहिरद पत्रकार ने तुसी सारे आए हो, तुहाडा योगदान दी भी असी जिहड़ी है वह आ सकते, ठीक है ना। ओ कर फिलोसफी गुरु नानक पातशाह ने दी है, संघर्ष तो उस वेले तो ननकाणा साहब तो शुरू होया पिया। देखो मैं जिस टॉपिक पे आज गल कर रहे ना ये वन टू वन दे विच गल कर लवांगे, ठीक है। आओ जी भाई साहब, एक लास्ट सवाल प्लीज, सिखां दी सरबोत संस्था जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कही जाती है, ओह ते जथेबंदी हमेशा एक दूजे तों अलग थलग हो के चलदियां ने, उहनां दे व्यूज नहीं मिलदे, उहनां ने ते कदी जथेबंदियां नूं नाल लग नहीं चले कि तुहाडा कोई पराला होएगा कि पूरी कौम दे सिख जिहड़े ने ओह इकट्ठे होण, क्योंकि उहनूं सिखां द्वारा ही वोटां मिलदियां ने। इह जद तक श्रोमणी कमेटी दा उत्ते कंट्रोल एक परिवार दा है तद तक यह समस्यावां रहणगियां और इस दे विच्चों इह श्रोमणी कमेटी का हल भी निकलेगा। भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारियां नूं जीओ आया आखदा है, जो कि अज भाई जगतार सिंह जी हवारा बेशक उन्हां दी निम्रता उन्होंने अपने आप नूं दास लिखिया पर पंथ ने उन्होंने जथेदार आख्या, एक ओह ने वो कहिंदे जथेदार सानू आखो पर पंथ मन्नण नूं तैयार नहीं, एक ओह ने वो कहिंदे जथेदार ना आखो पर पंथ उन्होंने जथेदार कहण लई कोई भी समां खजाउंदा नहीं। संत ज्ञानी जरनैल सिंह होना नूं सवाल सीगा, तुसीं छोटी उम्र च पंथ दी वाग डोर लै के चले हो कि पंथ तुहाडे सिर ते हथ रखू मनू, वो कहिंदे सी मैं पंथ दा गुलाम है पंथ मालक है, मालक दी मर्जी होवे ते सिर ते हथ रखे
मालिक की मर्जी होवे ओ ना रखे, पर नौकर दा गुलाम दा काम है अपने मालिक नू समर्पित रहना, किन्ना चिर जिन्ना चिर ओदे शरीर च प्राण चलदे। यही गल इत्थों महसूस होंदी है भाई हवारा जी तो, अपने आप नू दास लिखना। मैं तां कह नहीं रहा मैं जथेदार, कहिंदे तुहानू जथेदार कहिंदे, कहिंदे फिर उन्हां नू पुछो भी वह हवारे नू जथेदार क्यों कहिंदे, वह क्यों कहिंदे ने वह दसणगे, उन्हां दी इह निम्रता है। दूसरी गल भावें उन्होंने शब्द बेनती वरत्या पर असी हुक्म मनदे, और जे श्री अकाल तख्त साहिब दा हुक्म सुतंत्र रूप विच मन्या जाएगा ते दावे ना कहने पंथ पहला भी कट्ठा सी ते अज भी कट्ठा ही है, उन्हूं कट्ठे ते उन्हूं करिए ना जिहड़ा खिल रहा होवे, इत्थे खिल रहा कोई नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ मसला चाहे उन्हां दी आवाज़ ते अज सारियां जिन्नियां सिख जथेबंदियां सेवादार पहुँचे है, सिख सद्भावना दल वालों मुख सेवादार हुंदा होया समूह सेवादारां वालों सारियां नूं मैं जीओ आया आखदा है। और नाल ही ये भी अपने वालों बेनती करदा है पंथ नूं कि जिथे साडी दल की सेवा लाओगे असी अपनी ड्यूटी तन देई नाल निभावांगे। उहदे वास्ते एक अर्ज जरूर करांगा, चाहे बंदी सिंघां दी रिहाई होवे, 328 सरूप बादल क्या चोरी वेचे ने, 992,886 अंग अण अधिकारत छापे ने, 204,536 अंग लापता किते, 982,700 रुपया भेटा महाराज जी दे नां दिए चोर खा गए ने लखां लखां रुपये तनखावां लैण वाले, और 1,00,000 फर्मे ठेकेदारां को चले गए, सैकड़े सरूप अग की भेट चढ़ के दसे नौ गए ने। यह एडवोकेट ईशर सिंह की रिपोर्ट अनुसार वड्डा क्राइम केस है, चाहे ये होवे। उदों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की आजादी की गल आ गई, फिर जाके पंजाब का पौन पानी धरती जवानी किसानी अजमत सन्नत भविख सुरक्षा सेहत सिक्ख्या ये बाद विच सारा तुहाडा दरमदार शुरू हुंदा है। और इस सब काहे नूं मैं बेनती करांगा राजनीति तो हट के सिख नीति दी लड़ी च परोलिया जावे, ते सिख नीति तहत सारियां जथेबंदियां सिलैक्शन करके अपने उन्हां सिंघां दी चोण करन जिन्हां ने एक पॉलिसी घड़नी है, एक एजेंडा देना आ, उत्तों लै के थले तक जथेदार जो बोल रहा वो सेवादार बोल रहा है, जो सेवादार बोल रहा वो जथेदार बोल रहा है, जो चेला कह रहा वो गुरु कह रहा, जो गुरु कह रहा वो चेला कह रहा है। इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार दे धारनी आ, सतगुरु रहमत करन उस विच तुहाडा समाजिक पक्ष आर्थिक पक्ष ते धार्मिक पक्ष ये किन्ना किन्ना ने केड़ा केड़ा वाचना है उन्हां नूं ये काम सौंपे जान। ये ना होवे कि सारे काम मैं ही वेखूँ जी, वो कल्ले बंदे दे बस की गल नहीं। एडवोकेट ने एडवोकेट वेखना है, धार्मिकता ने धार्मिकता वेखनी है, इंसाफ किहदे तो लैना है, भारतीय सियासी जमात कोलों। तो जे आपां पहला ही सियासी भारती विच वाड़ लै तो फिर वो आपां सारी खिंडांगे, उदों जदों सियासी महकमा साडे च बैठू ते जदों सिख नीतिवान बैठोगे ना तुहाडी एकता च फर्क पैणा जे, ते ना तुहानूं मंजिल सर करन तों कोई दुनिया दी ताकत रोक सकदी। इसलिए पहली गल सिख सद्भावना दल वालों पंथ नूं समर्पित सी हाँ रहांगे जिथे पंथ आवाज़ देऊ। दूसरी गल पंथ अपने पुरातन वडपुरखियां दी तरह सिख नीति तहत एक पॉलिसी ते एक एजेंडा जरूर बना दे ताकि हर नौजवान नूं पढ़दिया पता लग जाए मैं जाना किधर नूं है, मैं करना की है, असी जित गए तो करांगे की, हार गए तो फिर की करांगे। ये दोवें पक्ष वेचने वचने पैण, हार गए की छड़ के भजांगे, जित गए की दूजियां नूं अखां विखावांगे, जां जिहड़े सिखां नाल वादे कीते ने वो पूरे किवें करने ने, अगर वह बंदे पूरे नहीं करते उन्हां ते किहड़ियां धरावां तहत सज़ा होगी। ये नहीं कि वह कल नूं आखण जी उन्हूं पुछो, दूजा कहिंदा जी उन्हूं पुछो,
वह काम होने ही सारी पॉलिसी जिहड़ी आ ये साढ़े बापू जी भी बैठे ने प्रोफेसर साहब होनी पंज प्यारे साहबान सारे तुसी एक पॉलिसी एक प्लेटफार्म एक एजेंडा एक मंजिल एक निशाना वह की है सिख नीति लियावांगे राजनीति कढ़ांगे पंथ रुशनावांगे श्री अकाल तख्त साहब की रहनुमाई हेठ असी पंजाब ते पंथ नूं मुड़ अपने पैरां सिर खड़ा करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की एक ओंकार शुरू होया काफला बन गया। अज जदों सिख नीति दा असी आगाज करन दी गल करांगे ना ते उवें जिवें बाबे दा काफला पंथ बन गया सी ना एक तों लैके तिवें सिख नीति तहत ही आउण वाले समय च फिर अकाली फूला सिंह होणगे ते अकाली फूला सिंह दे खीसे चों शेरे पंजाब निकलणगे। असी शेरे पंजाब दे खीसे चो अकाली फूला सिंह नहीं कढ़ना। भाई साहब जी सिख जथेबंदियां हमेशा सिखां दे मसले लई जिहड़ी गल करदियां ने जी ते गुरुद्वारियां दे चंगे प्रबंध लई गल करदियां कि अगर अगों श्रोमणी कमेटी दीआं इलैक्शनस होंदियां तुहाडी जथेबंदी दी चलो दिल्ली च वी लग के आई आ सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां हो के अपने सांझे नुमाइंदे खड़े करके ओह इलैक्शन दे विच जिहड़े पार्टिसिपेट करनगे। सिख नीति तहत मैं फिर पंथ नूं बेनती करदा हां श्रोमणी कमेटी धार्मिक है राजनीतिक नहीं ते जे बादल ते एक परचा हो सकता है दो संविधान रखण दा अकाली दल बना लिया श्रोमणी कमेटी की चोण भी अकाली दल लड़ू ते MLA ते MP दी भी लड़ू ये दो ID प्रूफ वाले बंदे सानू कढ़ने होणगे। एक ID प्रूफ वाला ही साडे च बैठ सकता है क्योंकि श्रोमणी कमेटी धार्मिक है उत्थे अकाली दा मतलब अकाली होवे ना कि सियासी होवे। सिख नीति तहत दो ID प्रूफ वाले नूं सरकार अंदर दे दिंदी है ते असी उन्हूं फकरे कौम कह दिंदे आ इत्थे प्रॉब्लम आ। इसलिए जिस दिन आपां इन्नू कवर कर लिया उस दिन आपां कट्ठे भी हाँ असी ही उत्थे फतेह भी होगी और सानू खंडाउण वाला भी कोई नहीं होऊ क्योंकि साडा एजेंडा एक मुड़ पॉलिसी एक निशाना है। मैं फिर बेनती कर दिया जी सिख जथेबंदियां ही श्रोमणी कमेटी की चोण लड़न ना कि सियासी बंदे श्रोमणी कमेटी की चोण लड़न। पाल सिंह फ्रांस वही कढ़ने हैं जी वो छड़ने राजा राज सिंह जी वो कढ़ने हैं वाहेगुरु जी का खालसा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े सारिया जथेबंदियां ने भी पंथक सोच वाले आए ने। मेरा नाम पाल सिंह फ्रांस आ जी ज़्यादा हम इतने सेवावान निभा रहे हैं ये बड़े मैं दुखदायक लफ्ज कह लगा लखां की तादाद दे विच सरबत खालसा वालों चुने हुए सिलैक्ट किए हुए प्रवान किए हुए जथेदार अज भी जेल चो देश दे रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
जो वीर जी होना ने दस्या बडाला साहब ने जी एस जी पी सी है वो बेशक थोड़े गुरु घर थोड़े परसेंट गुरु घर के उत्ते उन्हों का कंट्रोल है लेकिन श्री अकाल तख्त साहब का जो जथेदार है दमदमा साहब का जथेदार केसगढ़ साहब का जथेदार उन्होंने वो चोण करती है तो जिन्ना चिर एस जी पी सी राजनीतिक लोग आएंगे उन्ना चिर साढ़े कोई हल नहीं तो यह भी शर्म की गल आ साढ़े सारे कि 12 साल तो इस जमहूरीयत का ढंडोरा पिटन वाले मुल्क जेडे कहते डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के असी बहुत वड्डे मुल्क आ उन्होंने अजे तक सारिया चोणा होंदिया सरपंची दिया एम एल ए दिया चेयरमैन दिया होर दिया टाइम पाबंद ने इन्हां दी चोण नहीं करा रहे उहदा कारण आ कि सिखा दी ओपरचुनिटी नहीं सिख प्रैशर बिल्ड नहीं कर सके जिद्दण सिखा ने इहनूं सानूं समझ पै गई इह हुण काफ़ी हद तक समझ पई है कि जिहड़ा एस जी पी सी मैंबर बने पहली गल तो सिलैक्शन होनी चाहिए है पर सिलैक्शन वास्ते सानूं अजे इलैक्शन लड़नी पैनी है सिलैक्शन इन्नी छेती हो नहीं सकती अमेंडमेंट नहीं कर सकती बहुमत चाहिए एस जी पी जिद्दण एस जी पी सी नरोल सिख जिहड़ा बंदा है गुरमतिया वो फैमिली वो बच्चे राजनीतिक पौड़ी ना समझते हो एस जी पी सी मैंबरशिप जिद्दण यह हो गई किसी पार्टी बाजी तो उच्चे उठ के एस जी पी सी साड़ी नरोल गुरसिखा के हाथ च आ गई साढ़े बहुत सारे मसले जोड़े आ पंजाब दे पंथ दे सिख कौम के हल हो जाएंगे असी ये चला रहे मुहिम कि जेडे राजनीतिक लीडर बनना बने वै जी तो मर्जी बने पर जोड़ा एस जी पी सी मैंबर आ वह किसी भी राजनीतिक पार्टी ना संबंध ना रखता हो इस करके सारिया जड़िया एक परिवार ने जिन्हें गलबा पाया होया कंट्रोल किया होया जिन्हें मस्से रंगण नू मात पाता वो मुकाबले मस्सा रंगण जकड़िया बौने जे लगते हैं छोटे लगते हैं सिद्धांतक पक्षों उन्होंने तो अकाल तख्त साहब बहुत शरीरक या फिजिकल उन्होंने कोई नुकसान पहुँचाया इन्हें सिद्धांतक पक्षों नुकसान पहुँचाता ये सारे विदेश में देश में बैठे सिखां नू समझ पै गई है क्योंकि वो हाथ सारा उस परिवार के हाथ च कंट्रोल आ इस करके असी सोचा भी सारी जी हूँ जिन्या भी जथेबंदियां ये सोच रही ने जो समझ चुकिया ने उस परिवार का जरा गलबा इतों खत्म करना नरोल गुरसिखा के हाथ में यह जी पावर वा ये ताकत आ शक्ति आ प्रबंध आना चाहिए तो ये वास्ते सारे ने संपर्क कर रहे हैं बेनती कर रहे हैं जिन्या कि संप्रदावान ने जिन्या जथेबंदियां ने काफ़ी सफलता मिली उस सफलता का अज तू थानू रिजल्ट दिस रहा कि बहुत बहुत चंगिया चंगिया जथेबंदियां जिहड़ा जिहड़ियां सोशल राज तौर पर पंजाब दे विच पिंडां दे विच वर्क कर रही धार्मिक तौर पर काम कर रहे हैं बहुत वो सारिया जथेदार जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब का प्रवानित जथेदार आ दूसरा एक परिवार का जथेदार है प्रवानित जथेदार आ उन्हां दिशा निर्देशों से बेशक उन्हें बेनती रूप में किया पर यह सारे ने प्रवान करके इस मंच से इकट्ठे होने सानू बहुत आसा ने श्री गुरु रामदास साढ़े ते कृपा करनगे ते थोड़ा भी एक बहुत वड्डा तकड़ा रोल आ प्रेस का कोई बड़ा तकड़ा थंब होंदा ते तुसी भी अच्छा रोल तुसी अदा करोगे तो वह दिन दूर नहीं जिद्दण श्री अकाल तख्त साहब का जिहड़ा सिस्टम है जां प्रबंध आ श्री अकाल तख्त साहब का जिहड़ा प्रवानित जथेबंदार उहदे पास आएगा तो जथेदार इस श्री अकाल तख्त साहब से आण के बैठ के जो पंथ नू दिशा निर्देश देवेगा जिहड़ा अज जेल तो आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दास जथेदार राजा राज सिंह तरना दल अरमा करवा मिसल श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंह जी दल के मौजूदा मुखी सिंह साहब बाबा चढ़त सिंह जी जिहड़ी अज पंथ की एकत्रता वास्ते सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा वालों संदेश भेजा गया है असी अरमा करवा तरना दल वालों उन्हां दा धन्नवाद भी करते हैं तो असी सहमत हाँ सारे पंथ दे नाल पर ये पंथ की जी एकत्रता है सानू क्यों होने की लोड़ है अज के हालात के मुताबिक पंथ बहुत बड़े नुकसान के जा रहा
खालसा पंथ के राज वास्ते साढ़े जोड़े पंथक मुद्दे ने बंदी सिंह का रिहाई का हो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बेअदबी का मसला हो शहीदी का मसला हो 328 रूपों का मसला हो सारे मसलों सुलझाने वास्ते पंथ की एकत्रता चाहिए है जिथे पंथ की एकत्रता चाहिए उ मैं बेनती करना चाहना सारे पंथ न भी साढ़े राज आया महाराज रणजीत सिंह का राज बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज उस राज खत्म करने वास्ते साढ़े पंथ दे विच कालियां बिल्लियां वड़ गईं पंथ दे विच गदार पैदा हो गए सानू अज भी यह राज बनूगा फिर जे असी इस उत्ते गौर ना कीती पंथ गदारा उत्ते कालियां बिल्लियां उत्ते जिन्ना असी पछाणिया उन्हां नूं यह राज बनदा रहूगा यह राज इस तरह जांदा भी रहूगा इस करके सारिया जथेबंदियों नूं राज भाग कायम करन तों पहलां एकत्रता तो पहला सानू उन्हां वल भी निगाह मारनी पौगी जिहड़े साडे पंथ की गदारियां कर रहे ने जिहड़े कालियां बिल्लियां ने सानू उन्हां उत्ते भी विचार करन दी लोड़ आ एक सैमीनार भी करनी लोड़ आ भी साडा राज किवें गया साडे विच इह गदारां ने की कीता सानू अज भी उह गदार किस तरह ढार आ रहे ने इहदी भी इक वड्डा कारण होना चाहीदा जिहड़े गदार सी उन्हां ने बंदा सिंह बहादुर ने जिन्हां ने पहला राज भाग कायम किया 1709 तो लैके 1500 तक उन्होंने राज कायम किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नानक शाही सिक्का भी चलाया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी इन्हां लोगों ने रोलती अज मैं कोई भी पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी ये दसे भी किसी भी जथेबंदी ने बाबा बंदा सिंह का शहीदी दिहाड़ा या जन्म दिहाड़ा बड़े पद्धर से मनाया हो क्यों उन्होंने अणगौलिया करता जोड़े पंथ के नायक से उस टाइम उन्होंने खलनायक बनाता जोड़े खलनायक से उन्होंने नायक साबित करता साढ़े गदारा ने इस करके सू पहचान की लड़ आ अज भी असी वो सिख नहीं है असी वो निहंग सिंह नहीं है भी सुखा बिके बॉल मार देंगे असी पढ़े लिखे हाँ साड़ी खोज जारी आ पंथ के अज भी पंथ जंथ के फुट पा आनिया बि बिल्लिया ने उन्हों उत्ते गौर करा तो करन दी भी लोड़ा सारे पंथ नूं मैं बेनती करदा जिहड़े साडे पंथ दे जरनैल होए ने बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद एक जरनैल होया बाबा अमर सिंह खेमकरनी जिन्हों श्री अकाल तख्त साहब दे उस वेले कतल किया गया मारिया गया बाबा वीर सिंह नूं मारिया गया अकाल तख्त साहब दे सदके ते इन्हां जोधियां नूं मार के खत्म करके साडा राज भाग खत्म किया गया सानू फिर जिन्ना चर असी उत्ते गौर नहीं करते उत्ते सैमीनार नहीं सदते कालिया बिल्लियां परे नहीं करते उन्ना चर यह राज भाग बनता रहूगा जाता भी रहूगा जे हमेशा वास्ते सर रहना जे हमेशा वास्ते असी एकजुटता कायम करनी आ मेरी सारे बेनती आ पहला कालिया बिल्लिया उत्ते गौर करके उन्होंने पंथ के खत्म किया जाए तो फिर ही पंथ की जिहड़ी शक्ति इकट्ठी रह सकती है फिर ही साडे पंथ मसले ते सिख राज कायम हो सकता इन्निया बेनतियां मैं करना चाहना तो भाई जगतार सिंह जी हवारा जिहड़े पंथ दे जथेदार ने उन्हां नूं फिर असीं फतेह बुलाउने आ ते उन्हां दा जिहड़ा संदेश है उन्हां दा हुक्म है असीं सिर मत्थे मनदे आ पुल्लां चुक्कां दी खिमां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जिन्हें भी ताडे विचार है बड़े सोहने सुने वेख्या पर जिन्ना चिर जदों इहदा बादल परिवार आया इन्ने जिन्ना बेड़ा गर्क पंजाब का एजुकेशन का खेडां का अज फोन आ गया मसला गुरु ग्रंथ साहिब दे बदमियां ये तो बहुत बाद च आया पहले तो अंग्रेज की पॉलिसी से चलिया ये सारा कुछ बेड़ा गर्क करने वाला ये हुआ और सरकार भी करवा रही है भारत किसी की भी सरकार आ जाए कांग्रेस की आ जाए कम्यूनिस्टा की आ जाए बीजेपी की आ जाए वो इस परिवार को कभी भी हाथों लांबे नहीं होन देंगे अपने तो लांबे नहीं होना होन देना क्योंकि वो मसले सारे पंजाब का बेड़ा गर्क कर सब तो ज़्यादा हिस्सा है इस परिवार का इस करके उन्हें लांबे नहीं होन देना उन्हें एक SGPC इलेक्शन से तुम छोड़ो कब्जा होने करके उन्हें ब्लू स्टार करवा दिता तुम उदो की आस रखते जे कोई भी सेंटर सरकार इस परिवार को तो लांबे नहीं होने देनी इलेक्शन होने जिन्ना चिर लांबे नहीं किसी तरीके ना होता गुरु महाराज करे उन्ना चिर तक ताडा कुछ असला मसला हल नहीं होने वाला चाहे कुछ भी हो जाए क्यों तुहानू सेंटर सरकार चाहती नहीं गी कि पंजाब अगे आए पंजाब के लोग अगे आए डिवेलपमेंट हो बहुत चंगे सुखी फसन
सानू इन्हां सुखी नाम वसन देना नाम वसन दिता ये ना पहला बोलिया क्यों ओ वे पुरखे जड़े सारे उन्होंने बेड़ा गर्क किया अंग्रेज गौरमेंट का साथ दिता ये उन्होंने नशके कदमा चलता है इन्हें उदा ही चलना इन्होंने पंथ न कोई हमदर्दी नहीं पंथ न सेंटर ने इनू अपने हथों नहीं छड़ना एक एडे वा महिला जो ब्लू स्टार करवा सकता इन्हें कैजुअलिटी करा इन्हें बच्चों मवा सकता नशे इन्ने करवाते सब कुछ करवाते इन्हें निगाह हटना जिन्ना चेर साडा कट नहीं हुंदा जिदा सरदार साहब ने कहा हवारा साहब की गल है हाँ जी साढ़े तो दूरी कोई नहीं रखता नहीं नहीं चलो एक बार छो मसले करके मैं खलोता है मैं इलेक्शन लड़ ली नहीं खलोता मैं हूँ की कदा वोट क्यों नहीं पाई यार हूँ वेखो सरदार साहब आ हूँ वोट पा गए मैं यार भाई साहब हूँ वोट पा गए सिमरजीत समान कर दिता अगे ये बेबूहा लोगों ने उन्होंने चिता दा पले की उन्हें पहला बेड़ा गर्क किया हूँ भी किया गया सिर्फ खालिस्तान की छे तरीक आन के रजिस्ट्रेशन करवा लेंदा मैं अपना वो लसेंस रिन्यू करा लेंदा इस बाद की करता कुछ किया उन्हें अज तक किसी का भी कुछ किया दसो हाँ जी नहीं कोई अपने जो सिख जथेबंदियों का कोई जो बच्चे अंदर दिते ने जो छत्ते अपने न्यंग सिंह ने अपने जथेबंदियों ने ये बारे उन्हें कुछ किया अज तक नहीं किया मेरी बेनती है 170 मैंबर खलोते थे उन्होंने एक जितया पिछली 2011 की इलेक्शन के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अज जो जथेदार भाई जगतार सिंह जी वारा साहब वालों संदेश सिख संगतां तक पहुँचाया जा रहा है मेरी कौम नूं बेनती हाथ जोड़ करके कि बहुत पंजाब दे विच सिखां दे नौजवान बच्चों नूं सरकारां वालों नशा दे करके पंजाब नूं खत्म किया जा रहा है दूजे बन्ने पंथ ते ग्रंथ आ बादल परिवार ने बहुत वड्डा नुकसान किया है वो अज भी असी कुरबानिया दे नाल पंथ ते ग्रंथ नूं भावें उच्चा चुक लईए तां वी असी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का हिसाब नहीं दे सकते कारण ये बनिया कि अज कौम नूं लोड़ है आ नामधारियों की एक वीडियो वायरल हो रही है जिहड़ी कलगीधर पातशाह जी की अरदास बाजां वाले ने सिखां नूं बख्शिश की है उन्हूं भी तरोड़ मरोड़ दिता गया है पर इत्थे भी बहुत साढ़े सत्कारयोग नुमाइंदे बैठे ने मैं इन्हां नूं बेनती करदा कि जदों भी कोई ऐसा सिख कौम के उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बेदबी की गल आउंदी है उदों असीं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो करके ਉਹ ਹੋਈ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ पर इन्हें अजे तक कोई भी सही फैसला ना लिया ते ना लै रहा है इनू आपां इत्थों परे करके ते सिख कौम पहल दे आधार ते जरूर ध्यान देवे ते तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीआं हो रहीआं बेदबियां दे जिहड़े मसले ने उह तां रुक सकदे ने नहीं तां इह चुप धार बैठे ने इहदे ते बहुत दबाव जापदा है कि नहीं जथेदार दी अं श्री अकाल तख्त साहब लैके जाने जी अं श्री अकाल तख्त साहब कल भी गए हाँ अं मंग पत्र नहीं लैके गए ना कल भी गए हाँ कल पुछया जाके उन्होंने
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਣਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਤੇਰਾ ਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੰਨੇ ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਬਣਦਾ, ਦੋਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੋਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਦਾਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਵਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ, ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਲੇਕੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਨੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜੋ ਕੌਮ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਥਾ ਸਿਰਲਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣੇ ਆ।
अपनी निमरता दिखाने का आदेश दिया है, पर अपन जतेंद्र साहब का आदेश मनना है कि फिर अपन फिल्म ना मारेंगे। बिलकुल तुहाडी 100% गल सही है जी। मैं यो गल प्रोफेसर साहब नूं कहिंदा वी जिद्दण चल पे सिंह साहब दे हुकम ते आपां उदन ऑटोमेटिक तुहाडे मगर इकट्ठ हो जाणा, क्योंकि इह हुकम सिंह साहब दा वा। बिलकुल तुहाडी गल सही आ। मैं तो यह गल मोर्चे की नहीं करता, मैं तो एक गल करन डिया वा जिस तरह भाई साहब उन्होंने भी जिस तरह इन्हें आवाज मारी ही। एक वेखो मेरी गल सुनो, जिस तरह भाई साहब हुण अगे आवाज मारी सिंह साहब के हुक्म से आवाज मारी सी बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते, आप चंडीगढ़ गए सां, काफला किड्डा तकड़ा सी, 15 किलोमीटर का काफला सी, वो जिहड़े नौजवान ट्रैक्टर लेके आए जां किस तरह भी कौम जिहड़ी आ कौम नहीं पिछे हटदी, साडे आगूआं दीआं थोड़ियां अणगहलियां करके जिहड़े नौजवान आ उह भटके पए आ। जिन्ना चिर साडे आगू ये चंगा ठोस फैसला नहीं दिंदे उन्ना चिर साडा कोई जिहड़ा वा मुद्दा उह उलझे रहना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल तुहाडी गल खणो। ये गुरु साहब की जिहड़े उदों लंगर लाया है ना, तो ये वेखो लखां रुपया साडा जिहड़ा ना ये कौम का एक ये काम के बाहर साडे योधे जिहड़े सूरबीर योधे जिहड़े वड्डे, मैं उन्हां नूं गिणूंगा जिहड़े अपना दसवंद कढ के कौम वास्ते लाउंदे आ। अहीं संघर्ष दिल्ली का नहीं लड़ सकते जे सानू बाहरों जिहड़ा साथ है वह नौजवान ना देंदे। इस करके अं उन्हां नौजवानों का भी धन्यवाद करते हैं, भाई साहब जगतार सिंह जी हवारा जी का भी धन्यवाद करते हैं, तो सारे सिख संगतां का धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।